पापा जी एक बात बताओ, आप कभी डेट पे गए हो क्या? अरे कैसी बातें कर रही है वो, ये डेट वेट हमारे जमाने में कहाँ होती थी, ये तो आजकल के जमाने में आई है। ठीक है तो आज मैं आपको डेट पे लेके चलूंगी। क्या ये कैसी बातें कर रही है वो, मैं तेरा ससुर हूँ, अरे कुछ तो शर्म कर। मुझे कुछ नहीं सुनना पापा जी, आप रेडी हो जाओ, आज आप मेरे साथ डेट पे चल रहे हो, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना है। अरे बहू तू क्यों समझ नहीं रही, ऐसा अच्छा लगता है क्या? अरे मैं तेरा ससुर हूँ, लोग क्या कहेंगे, ये अपनी बहू के साथ। मुझे कुछ नहीं सुनना और कुछ नहीं समझना, अंदर आपके कपड़े रखिए, जाके रेडी हो जाओ, चलो मेरे साथ आप। अरे पर बहू। पर वर कुछ नहीं, मैं गाड़ी में आपका वेट कर रही हूँ, आप रेडी होके जल्दी आ जाओ बस। अरे बहू सुनो तो सही। अरे पापा जी आप कितने स्मार्ट लग रहे हो। अरे कैसी बातें कर रही है बहू, मैं तेरा ससुर हूँ। लो बेला अब आप हो ही इतने स्मार्ट तो मैं आपको स्मार्ट ही बोलूंगी ना। अरे बेटा मुझे कर क्या रही है, क्या चाहती है तू, और ये बता लेके कहाँ जा रही है मुझे। पापा जी आपको कुछ नहीं पूछना है, बस आप चुपचाप बैठो, चलो लगाओ सीट बेल्ट और चलो मेरे साथ। ठीक है बहू। लो पापा जी। अरे बस कर वो बस कर, पहले तूने मुझे मॉल में ले जाके इतनी शॉपिंग कराई, फिर इतने बड़े रेस्टोरेंट में लेके गई, और अब ये आइसक्रीम। पापा जी रेस्टोरेंट में स्वीट डिश तो रह गई थी, अब भला बिना स्वीट डिश के डेट कैसे कम्प्लीट होगी बताओ जरा। बेटा मुझे शर्म आ रही है, सुबह से लेके अब तक तू अपने साथ घुमा रही है मुझको, और ऊपर से डेट बोल रही है, इससे अच्छा थोड़ा ना लगता है। क्यों नहीं अच्छा लगता पापा जी, क्या गलत है बताओ भला इसमें। गलत ही गलत है। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब हरकतें करते हुए, तुम पापा जी के साथ डेट पे आई हो, उन्हें डेट पे लेके आई हो तुम, लाइक सीरियसली। पापा जी इनको कैसे पता कि आप मेरे साथ हो। बेटा जतिन का ना फोन आया था, तुम तो बिजी थी फोन उठा नहीं पाई, इसलिए मैंने फोन उठा के बोल दिया कि बहू सुबह से मेरे साथ है और ये अजीब अजीब हरकतें कर रही है, और वही सब सुन के ये यहाँ पे आ गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये सब घटिया हरकतें करते हुए। अरे ये तुम्हारे पिता के समान है, तुम अपने पिता समान ससुर के साथ डेट पे आई हो, अगर तुमने शादी के बाद यही सब अश्लील हरकतें करनी थी तो मुझसे शादी क्यों की। अब मुझे समझ में आया, तुम्हें मुझ में तो इंटरेस्ट है ही नहीं, तुम्हें तो मेरे पापा में इंटरेस्ट है ना। अरे शांत हो जाओ, क्या बोले जा रहे हो, पागल हो गए हो क्या, तुम्हें पता भी है आज क्या है। क्या है आज बताओ, क्या है आज। तुम्हारे पापा जी का बर्थडे है आज। अरे बहू तुझे ये सब याद था। हाँ पापा जी, जरूरी नहीं है कि अगर आपके बेटे को आपका बर्थडे याद नहीं है तो आपकी बहू भी आपको विश नहीं करेगी। आई नो पापा जी, ये एज ऐसी है कि कोई आपको विश करे चाहे ना करे, कोई आपका बर्थडे सेलिब्रेट करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो फर्क पड़ता है ना पापा जी। सारी उम्र माँ बाप अपने बच्चों को खुश करने में लगा देते हैं, और जब हमारी बारी आती है माँ बाप को खुश करने के लिए तो माँ बाप ही बोल देते हैं कि नहीं हमें तो किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। लेकिन पापा जी मुझे पता है मम्मी जी के जाने के बाद आप कितने अकेले हो गए थे। पापा जी मुझे पता है आप चाहे लाख बोलो कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इतने भी बच्चे नहीं हैं कि हम ये भी महसूस ना कर पाएं कि हमारे माँ बाप को किन खुशियों की ज़रूरत है। आई एम सॉरी मुझे ये सब कुछ करना पड़ा झूठ बोल के, लेकिन आप ही बताएं अगर मैं आपको बोलती कि पापा जी आज आपका बर्थडे है और मैं आपको बाहर ट्रीट देने के लिए लेके जाना चाहती हूँ तो क्या आप जाते। नहीं जाते ना, इसलिए मैं चाहती थी कि आज का दिन आपके लिए यादगार बने। डेट का मतलब ये थोड़ी होता है कि बस एक कपल ही बाहर जा सकता है, डेट का मतलब तो ये होता है जो दिन हमारी लाइफ में बहुत यादगार बन जाता है ना, उस दिन को बोला जाता है कि हम डेट पे गए थे, इसलिए मैं आपको आज डेट पे लेके जाना चाहती थी पापा जी। मैं ये चाहती थी कि जो खुशी आपका बेटा आपको ना दे पाया, एटलीस्ट मैं बहू बन के तो दे सकती हूँ ना। अरे जतिन बेटा आज ना पाव भाजी खाने का मन कर रहा है, तो चलो चलते हैं ना खाने। अरे पापा जी घर में दाल फुलका बन रखा है ना, वो खा लीजिए, ये क्या पाव भाजी खाने का भूत सवार हो रखा है आपके सिर पे। अरे बेटा दाल फुलका तो रोज ही खाते हैं, आज मेरा पाव भाजी खाने का दिल है, तो चलते हैं ना बाहर खाने। पापा जी प्लीज मेरे पास ना इतना फालतू का टाइम नहीं है कि आपको बाजार लेके जाऊं और वहां पे पाव भाजी खिला के लाऊं। एक काम करता हूं मैं ना ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूं, पाव भाजी घर पे आ जाएगी, अकेले बैठ के खा लेना आप। अरे नहीं नहीं बेटा रहने दे, वहाँ सभी जाके खाएंगे ना तभी खाने में मजा आएगा।
अरे पापा जी, ये क्या मजा मजा लगा रखा है। मैं कितने दिनों से देख रहा हूँ आपको, आपका रोज रोज कुछ ना कुछ करने का मन ही करता रहता है। देखिए, हमें और भी काम होते हैं, आपके लिए फालतू नहीं बैठे हम लोग घर में। ऑफिस का काम है, घर के काम होते हैं, दोस्तों को भी देखना होता है। आप ही रह गए हो क्या कि मैं आपको पाव भाजी खिला के लेके आऊँ? देखिए, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, प्लीज वो खा लेना। नहीं नहीं बेटा, रहने दे, मैं जाके ना दाल फुल्का ही खा लेता हूँ आज। आपको पता भी है कि आपने कभी ऑब्जर्व किया कि पापा जी का कितना मन करता था कि उनके पास भी हम 2 मिनट बैठ जाएं, आप उनके साथ बातें करो, उनके साथ बाहर जाओ, घूमो फिरो। लेकिन नहीं, आपको तो अपने काम से फुर्सत नहीं थी। वही काम करते हो ना आप जिसके लायक आपको आपके पापा जी ने बनाया है, और आपने उनको ही अनदेखा करना शुरू कर दिया। पापा जी, आपने क्या सोच रखा था कि शाम को आपका बेटा आएगा, आपके लिए बर्थडे अरेंज करेगा, सब कुछ खुद मैनेज करेगा? किससे उम्मीद लगाए बैठे थे पापा जी आप? जिस बेटे को आपका जन्मदिन याद तक नहीं है वो आपका बर्थडे सेलिब्रेट करता। इसलिए मैं ये चाहती थी कि अगर आपका बेटा एक अच्छा बेटा ना बन पाया तो मैं एक अच्छी बहू बन के आपको दिखाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो तो काम में इतना व्यस्त रहता है ना, इसलिए मेरी तरफ ध्यान नहीं दे पाता। ये होता है बाप का प्यार। आपने अपने बाप को हमेशा नजरअंदाज किया, इग्नोर किया, कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, और आपके पापा के मन में आज भी आपके लिए कितनी इज्जत और प्यार है। तुमने बिल्कुल सही बोला, मैंने आज तक कभी पापा जी को टाइम दिया ही नहीं। वो जब भी मेरे पास आते थे तो कोई ना कोई बहाना बना के वहाँ से निकल जाता था। कभी मुझे टाइम है, कभी मुझे दोस्तों के साथ जाना है, कभी मुझे तुम्हारे साथ जाना है, लेकिन पापा जी के साथ तो मैं कभी कहीं गया ही नहीं, ना ही उन्हें कभी टाइम दिया। पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आज रियलाइज हो रहा है कि आज तक मैंने आपको कभी इम्पोर्टेंस दी नहीं। पापा जी, आपने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, और जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे आपकी कदर ही नहीं है। जिन्होंने मुझे इतना पाल पोस के बड़ा किया, मुझे इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी लगवाया, मैं उसकी कदर नहीं कर रहा। पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, आपको हमेशा टाइम दूंगा, आपको बाहर भी लेके जाऊँगा, आपके खाने पीने का भी ध्यान रखूँगा। आज तक मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे जीते जी स्वर्ग दिखा दिया। अरे बहू, मैं तेरा भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तुम्हारी वजह से ना मेरा बेटा मेरे पास आ गया। भगवान करे तेरे जैसी बहू हर एक को मिले। तो मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है, जीती रहे बहू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।